बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दो बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। अगर पहली बड़ी ख़बर की तरफ चले जाएं तो पंजाब भर के 11,000 एजुकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने मुस्तकिली के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से असाज़ा का रिकॉर्ड मांग लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मुस्तकिली के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एजुकेटर का रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए मरासला जारी करें। 2014 से लेकर 18 तक भर्ती किए गए एजुकेटर का रिकॉर्ड मांगा गया। मौजूदा अरसा के दौरान भर्ती एयूज का भी डाटा फ्राहम किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि ये दोनों जो कैडर्स हैं, इन्होंने एक बड़ा एहतजाज किया क्योंकि ये एनटीएस के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट भर्ती हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बाद में रेगुलर ना किया, कहा कि आप पीपीएस का एग्ज़ाम दें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दें, उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन इन्होंने बड़ा एहतजाज किया, कानून में अमेंडमेंट भी करनी पड़ी पंजाब हुकूमत को, और असम्बली से पास होने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी जो डिसीजन एक जारी कर दिया। अब ये है कि इनको रेगुलर किया जा रहा है और इनका तमाम डाटा हुकूमत ने मांग लिया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, बड़ी शानदार किस्म का पैकेज है तारीखी, जो कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से 44 नर्सिंग स्कूल को की बतौर नर्सिंग कॉलेज अपग्रेडेशन कर दी गई। नर्सिंग कॉलेज में बीएस प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 14 नर्सिंग कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ इलाक होंगी और 16 के करीब तकरीबन 28 नर्सिंग कॉलेजेस के 2.5 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए गए। 10 अरब से जायद नर्सिंग स्टाफ की भर्तियां, नर्सिंग तलबा को जो 20,000 रुपये मिलता था अब 31,000 मिलेगा। नर्सिंग स्टाफ के ग्रेड में भी तरक्की की जा रही है। और बड़ी ये पंजाब हुकूमत के आजकल फैसले हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ी अपग्रेडेशन भी की थी महकमा जेल खाना जांच के मुलाजमीन की। आज की ये बड़ी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।